हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए एडगेट अभ्यास पुस्तिका विषय हिंदी लेके आए हैं, जो कक्षा सातवीं के लिए है। और इस एडगेट अभ्यास पुस्तिका को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा सत्र 2022-23 के लिए बनाया गया है। आज हम बच्चों आपके लिए पार्ट 15 छोटा जादूगर लेके आए हैं, जो हिंदी का पार्ट है, और इसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वह आपको बताएंगे। लेकिन बच्चों, आप इस एडगेट अभ्यास पुस्तिका के प्रश्नों को हल करने से पहले जो हमारी पाठ्य पुस्तक है, पाठ्य पुस्तक का पाठ 15 जो 92 पृष्ठ पे है, उसे पढ़ लीजिए। पूरे पाठ को पढ़ लीजिए। पाठ को पढ़ने के बाद आप क्या कीजिए, उसके जो यहाँ प्रश्न दिए हैं, इन प्रश्नों के उत्तर पाठ को पढ़ने के बाद हल कीजिए। जब तक आप पाठ को नहीं पढ़ेंगे तो आपको इन प्रश्नों के उत्तर नहीं बनेंगे और आपके समझ नहीं आएंगे। तो चलिए देखते हैं पाठ 15 छोटा जादूगर अति लघु उत्तरी प्रश्न। इसका प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है? लाल कमलिनी से भरी वाक्य में, ये एक वाक्य है, कौन सा वाक्य? लाल कमलिनी से भरी वाक्य में विशेषण शब्द क्या है? आपको क्या बताना है? विशेषण शब्द की पहचान करना है जो आपका इस वाक्य में। तो विशेषण क्या है? जो किसी की विशेषता बताता है वह क्या कहलाता है? विशेषण कहलाता है। और यहाँ पे विशेषण क्या होगा? लाल कमलिनी से भरी, तो ये कमलिनी की विशेषता बता रहा है, लाल। तो लाल यहाँ पे क्या हो गया? विशेषण हो गया। तो आप उत्तर में लिख देंगे, इस वाक्य में लाल शब्द विशेषण है। तो आपको विशेषण पूछा था, विशेषण बता दिए। चलिए इसके बाद प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है? लेखक को छोटे जादूगर से ईर्ष्या कब हुई? तो आप उत्तर बता सकते हैं। इसका उत्तर आप अपनी पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 94 में ढूंढ सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको पूरा डिटेल जब पढ़ेंगे तो आपको इनके उत्तर बहुत आसानी से बन जाएंगे। चलिए देखिए इसका उत्तर क्या दिया है। छोटे जादूगर से ईर्ष्या 1 रुपये पाने पर हुई। लेखक को छोटे जादूगर से ईर्ष्या कब हुई? तो आप उत्तर बता देंगे, छोटे जादूगर से ईर्ष्या 1 रुपये पाने पर हुई। इस प्रकार प्रश्न नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 में क्या बताया है? हिंदी साहित्य के क्षेत्र में मील का पत्थर किसे कहा गया है? पाठ के आधार पर बताइए। इसके आप पृष्ठ क्रमांक 95 में देख सकते हैं, इसका उत्तर कहाँ ढूंढ सकते हैं, आपकी जो पुस्तक है, पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 95 में इसका उत्तर ढूंढ सकते हैं। चलिए इसका उत्तर क्या है? हिंदी साहित्य के क्षेत्र में मील का पत्थर श्री जयशंकर प्रसाद को कहा गया है। प्रश्न क्या था? हिंदी साहित्य के क्षेत्र में मील का पत्थर किसे कहा गया? तो आप उत्तर में बता सकते हैं, मील का पत्थर किसे कहा गया? हिंदी साहित्य के क्षेत्र में मील का पत्थर श्री जयशंकर प्रसाद को कहा गया है। किसे कहा गया है? जयशंकर प्रसाद को। तो इस प्रकार बच्चों आपका प्रश्न नंबर 3 यहाँ पर कंप्लीट हो गया, क्योंकि आप 95 प्रश्न में देख सकते हैं जयशंकर प्रसाद जी हैं। जयशंकर प्रसाद ने क्या किया है? इस पाठ को लिखा भी है, इसके वो हैं, लेखक हैं। जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के क्षेत्र में मील के पत्थर हैं। प्रसाद जी ने कामायनी महाकाव्य की रचना की। किसने की? जयशंकर प्रसाद ने कामायनी महाकाव्य की रचना की। उन्होंने अनेक कहानी, ऐतिहासिक नाटक, उपन्यास लिखे, जिनमें चंद्रगुप्त, कंकाल एवं तितली इनकी प्रमुख रचनाएँ। किसकी? जयशंकर प्रसाद जी की। तो इस प्रकार बच्चों आपका ये प्रश्न नंबर 3 यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4, जो लघुत्तरी प्रश्न के अंतर्गत आता है। कह रहा है, प्रश्न क्या है? छोटे जादूगर की भांति यदि आपको 100 रुपये इनाम में मिल जाए तो आप क्या करेंगे? क्या हुआ? छोटे जादूगर को जो इनाम के रूप में पैसा मिला था, उसी के भांति यदि आपको 100 रुपये इनाम में मिल जाएंगे तो आप क्या करेंगे? तो ये आपको अपनी भाषा में लिख के बताना है कि यदि आपको कहीं से 100 रुपये मिल जाते हैं तो आप उन 100 रुपये का उपयोग कैसे करेंगे, या उन 100 रुपये का क्या करेंगे। तो जैसे हमने यहाँ बताए हैं, क्या बताया? छोटे जादूगर की भांति यदि मुझे 100 रुपये इनाम में मिलते तो मैं पढ़ने के लिए पुस्तकें खरीदता और शेष रुपयों को अपने घर की आवश्यक सामग्री में उपयोग करता। जो शेष रुपये बचते उनका उपयोग कहाँ करता? मैं अपने घर की आवश्यक सामग्री या जो भी आवश्यकता है घर की, उसमें करता। तो इस प्रकार आप प्रश्न नंबर 4 का उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 देखिए। प्रश्न नंबर 5 में क्या कह रहा है? छोटे जादूगर की तरह यदि आपको जादू
क्या कह रहा प्रश्न, छोटे जादूगर की तरह यदि आप जादूगर होते तो क्या क्या खेल दिखाते? तो उत्तर में हम बता देंगे क्या है इसका उत्तर। छोटे जादूगर की तरह यदि मैं जादूगर होता तो मैं लोगों को विज्ञान एवं ज्ञान संबंधी जादू दिखाता है, जिससे लोगों को ज्ञान प्राप्त होता। तो इस प्रकार बच्चों आपका प्रश्न नंबर 5 का उत्तर यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। उस दिन जादूगर की वाणी में प्रशंसा की तरी नहीं थी, मानो उसके रोए रो रहे थे। लेखक ने ऐसा क्यों कहा? अपने विचार में लिखिए। देखिए यहाँ पे पाठ को आप पढ़ेंगे, पाठ को पढ़ने के बाद उसका सारांश निकालेंगे, सारांश निकालने के बाद आप उसका उत्तर लिख पाएंगे। और इस प्रश्न का उत्तर आप पृष्ठ क्रमांक 95 के अनुच्छेद 2 में देख सकते हैं। चलिए हमने इसका उत्तर क्या बताया है, उस दिन जादूगर की वाणी में प्रशंसा तरी नहीं थी, मानव उसके रोए रो रहे थे। लेखक ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उस दिन जादूगर जादू का खेल अच्छे से नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वो प्रसन्न नहीं था, खुश नहीं था, वह दुखी था, फिर भी वह जादू दिखा रहा था। उसका कारण क्या था? तो इस कारण वह जो लेखक ने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि जादूगर वाणी से कि उसकी वाणी में प्रशंसा नहीं थी, क्योंकि वह जादूगर खुश मिजाज था, खुशी से रहता था, लेकिन वह उस दिन जादू दिखा रहा था तो उसमें प्रशंसा दिखाई नहीं दे रही थी। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 6 का उत्तर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7 दीर्घोत्तरी प्रश्न है। छोटा जादूगर की कौन कौन सी बातें आपको अच्छी लगी, कहानी के आधार पर बताइए। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर में हम सबसे पहले बता देंगे, क्या बता देंगे कि छोटा जादूगर की निम्न बातें हमें अच्छी लगती थी। छोटा जादूगर की निम्न बातें जो हमने नीचे बताएं, ये बातें अच्छी लगती थी। नंबर 1, छोटा जादूगर समझदार और संवेदनशील बालक था। जो छोटा जादूगर था वो कैसा था? समझदार और संवेदनशील बालक था। नंबर 2, छोटा जादूगर की माँ बीमार रहती थी और ऐसी संकट की घड़ी में भी वह माँ की देखभाल कर रहा था। हमें छोटा जादूगर की यह बात भी बहुत अच्छी लगी, क्योंकि उसकी माँ बीमार रहती थी और ऐसी संकट की घड़ी में वह जादू भी दिखाता था और अपनी माँ की देखभाल कर रहा था। फिर तीसरी बात क्या है, छोटा जादूगर स्वाभिमानी बालक था। छोटा जादूगर कैसा था? स्वाभिमानी बालक था। चौथा पॉइंट, छोटा जादूगर परिश्रमी बालक था। छोटा जादूगर कैसा था? परिश्रमी बालक था। और नंबर 5 में, छोटा जादूगर दुख और पीड़ा की अवस्था में भी धीरज धीरज धरे हुए रहता था। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो उत्तर है यहाँ पे कंप्लीट होता है। कौन सा प्रश्न था? प्रश्न नंबर 7। और प्रश्न नंबर 7 के बाद अब नेक्स्ट क्या आ रहा है आपका, मूल्यांकन 11, जो पाठ समाप्त हो जाता है उसके बाद कुछ मूल्यांकन से संबंधित प्रश्न हैं, अति लघु उत्तरी, लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी। तो चलिए मूल्यांकन 11 का अति लघु उत्तरी प्रश्न देखते हैं। इसका प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है, गया करके चला नमस्कार वह वाक्य को सही क्रम में लिखिए। ये जो बच्चों ये वाला जो वाक्य दिया है ये सही क्रम में नहीं है, पढ़ने से ही समझ आ रहा है। तो इस वाक्य को हमको सही क्रम में जमाना है। अब वाक्य क्या है, गया करके चला नमस्कार वह, तो इसका सही पद क्रम जमाइए। तो वह नमस्कार करके चला गया, इसका सही पद क्रम क्या होगा, वह नमस्कार करके चला गया। तो ये इसका सही पदक्रम हो गया। तो वाक्य को सही पदक्रम में हमने लिख के आपको बता दिए। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 8 कंप्लीट होता है। इसके बाद लघुत्तरी प्रश्न, प्रश्न नंबर 9। तमाशा देखने नहीं दिखाने आया हूँ, कुछ पैसे ले जाऊँगा तो माँ का पथ दूंगा, इस इन पंक्तियों का भाव लिखिए। देखिए उसका उत्तर, छोटा जादूगर कहता है कि मैं यहाँ तमाशा देखने नहीं यहाँ खेल दिखाने आया हूँ, यदि इससे कुछ पैसे बन जाए तो इससे माँ के लिए भोजन लेकर जाऊंगा। तो इस पंक्ति का भावार्थ यही है। तो बच्चों इस प्रकार प्रश्न नंबर 9 यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10। और कैसा प्रश्न है, दीर्घोत्तरी प्रश्न है। देखिए प्रश्न नंबर 10 में क्या कह रहा है, आप अपने देखे हुए जादू के खेल का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। जैसे आपने बहुत से जादू के खेल देखे होंगे, उन जादू के खेलों का वर्णन अपने शब्दों में करना है। आपको जो भी खेल आपने जादू के देखे हैं तो उस प्रश्न तो ये इस प्रश्न का उत्तर उसके आधार पे आपको लिखना है। जैसे मैंने बताया यहाँ पे, देखिए हमने बताया है कि क्या है इसका उत्तर,
मैंने जादू के अनेक खेल देखा। मैंने क्या किया, जादू के अनेक खेल देखा जिसमें जादूगर अनेक प्रकार के चमत्कार दिखाता था, जैसे कपड़े के नीचे आदमी को गायब कर देता था, कागज का फूल बना देता देना, किसी आदमी को गधा बना देना आदि जादू का खेल देखा था। इस प्रकार से जादूगर अनेक चीज़ें दिखाते हैं, तो आपने भी देखे होंगे, जो जादू का खेल आपने देखेंगे उस आधार पर आप इसे लिख सकते हैं। तो इस प्रकार बच्चों आपका प्रश्न नंबर 10 यहाँ पे कंप्लीट होता है। प्रश्न नंबर 10 के साथ आपका जो मूल्यांकन कौन सा था, मूल्यांकन 11 और पाठ 15 छोटा जादूगर यहाँ पे कंप्लीट होता है। यदि इसके जो प्रश्न उत्तर बताए ये आपके समझ आए हैं, तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।